आईएएस के खिलाफ वायरल पत्थर के मामले में बड़ी कार्रवाई, हिरासत में लिए गए तीन संदिग्ध। बीते दिनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ वायरल हुए पत्थर को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चंबा से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस वायरल पत्थर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अधिकारी ने इसकी शिकायत थाना बालूगंज में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश साइबर सेल को सौंपी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कुछ अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इन संदिग्धों के तार भाजपा विधायक के साथ जुड़े हैं। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस ने इस अधिकारी की ओर से मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना जरूरी है। किसी के चरित्र के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल हुआ था और उस पत्र में कुछ जो कंटेंट्स थे वो काफ़ी अपमानजनक और अभद्र तरह के कमेंट्स उसमें लिखे हुए थे, जिस पर एक अधिकारी जो हमारे हैं उन्होंने पुलिस थाना बालूगंज में एफआईआर पंजीकृत करवाई थी। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि जो पत्र था उस पत्र में जो पदनाम डेजिग्नेशन वगैरह थे, जिस कार्यालय से वो क्लेम किया गया था जारी करना, उस तरह का कोई पदनाम और डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी था कि ये पता लगाया जाए कि इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया गया पत्र के माध्यम से, उस पत्र का ओरिजिनेटर कौन है। उस दिशा में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर ये सामने आया कि जो पत्र को जिसने सोशल मीडिया में वायरल किया, जो ओरिजिनल ऑथर है वायरल करने वाला, वो व्यक्ति हमें पूछताछ के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल्स है उनको जब हमने एग्जामिन किया, उसमें उस व्यक्ति का पता चल गया। इस व्यक्ति का नाम मनोज शर्मा है और ये भरमौर क्षेत्र का रहने वाला है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस प्रकार से साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन को हम कर रहे हैं। अभी कुछ तीन लोग हमने हिरासत में लिए हैं, उनसे सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के छानबीन की जा रही है। दो व्यक्ति इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, भरमौर से हैं और तीसरा क्षेत्र से हैं, और एक अन्य व्यक्ति है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह के मैटर्स में किया जाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि जब हम सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया में साथ साथ हम कानूनी जिम्मेदारियां और दायित्व को भी निभाएं और उन सब चीज़ों का अनुसरण करें जो किसी दूसरे व्यक्ति की निजता से, उसकी प्राइवेसी से और उसके चरित्र से, उसके सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में चल रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में और इसमें डेवलपमेंट होगी, हम उसके बारे में भी आपको फिर ब्रीफ करेंगे।